चलिए आपको सीधे ले चलते उत्तर प्रदेश के मथुरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय संकल्प नामांकन सभा में मौजूद है। देखिए, एक बार मेरे चुनाव में मैं एक गांव में गया, नंदगांव के पास। मैंने बुजुर्गों से जब कहा आप ताश खेल रहे हो, वोट डालो, उन्होंने कहा भैया तेरी बढ़ रही है यहाँ और किसी की है ही नहीं। पोलिंग बूथ पे केवल 12 वोट पड़े थे 1 बजे। हमारा सबसे मुख्य काम है वोटर को निकालना। ये निश्चित है कि यदि मथुरा जिले में 11 लाख वोट पड़ेंगे तो 10 लाख श्रीमती हेमामालिनी के पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ सामने लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उस दिन शादी है, किसान पे काम भी है, इसलिए आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है। हमारे प्रभारी बैठे थे, कोर कमेटी ने यह तय किया है कि हमारे हमारे लोकसभा में जिस बूथ पर सबसे ज्यादा मतदान होगा, जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, कोर कमेटी ने तय किया है, पूजनीय योगी जी महाराज के द्वारा उसे पुरस्कृत कराया जाएगा। ऐसे बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को तो मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी है हेमा मालिनी, जिनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर नजर आए। उसके साथ ही आज नामांकन रैली, जिसके बाद में नामांकन रैली के तहत हेमा मालिनी अपना नामांकन फॉर्म भी भरने वाले।